चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई योजनाओं का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ा ऐलान हरियाणा के व्यापारियों के लिए किया। हरियाणा सरकार अब व्यापारियों को दुर्घटना बीमा योजना का फायदा देगी। सीएम मनोहर लाल ने लैपटॉप पर बटन दबाकर योजना की शुरुआत की। वहीं कई व्यापारियों को दुर्घटना बीमा योजना के सर्टिफिकेट भी बांटे गए। इसमें ऐसे फर्म्स हैं जिनके पास जीएसटी नंबर है, वो सब इसमें कवर होंगे। और अगर उसमें टर्नओवर वाइज बताया जाए तो जिनका टर्नओवर 20 लाख तक है ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा। जिनका टर्नओवर 20 से 50 लाख है उनको 10 लाख का टर्नओवर मिलेगा। जिनका 50 लाख से 1 करोड़ तक है उनको 15 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा। और 1 से 1.5 करोड़ रुपया 20 लाख का कवरेज, 1.5 करोड़ से ऊपर ये 25 लाख का कवरेज, ऐसे कुल मिलाकर 3,13,112 ये जीएसटी की जो फर्म्स हैं जो ये कुल मिला के। और जो व्यापारी हैं जिनको जिनको इस बीमा का कवर में रखा गया है वो 3,86,669 संख्या। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई और योजनाओं की जानकारी दी। वहीं उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और कभी भी आचार संहिता लग सकती है। अब चूंकि आचार संहिता लगने वाली है तो बाद में अगर कोई बहुत आवश्यक होगा तो करेंगे, नहीं तो फिर पॉलिटिकल प्रेस तो होती रहेंगी लेकिन सरकारी कामों की प्रेस शायद आज होगी। अब आचार संहिता कभी भी 13, 14, 15, 16 में लग सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के लोगों को एक बार फिर सौगात दी है। अब देखना यह है कि चुनाव में उन्हें इसका फायदा कितना पहुंचता है। R9 TV के लिए चंडीगढ़ से रमेश सिंह की रिपोर्ट।